मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सबको पूनम वर्दित ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे रहिए। जो अच्छे नहीं है उनको भी भगवान अच्छा रखेंगे और खूब अच्छा रखेंगे और खुश रखेंगे। तो देखिए, मेरा सुबह का शुरुआत हमारे पूजा से होता है। तो पूजा अभी हम कर लिए हैं और जब भी हम वीडियो शुरू करेंगे तो हम यहीं से शुरू करेंगे, जब सुबह में बनाएंगे। तो मेरा पूजा हो गया है, तो आप क्या करने जा रहे हैं? सुबह पूजा करने के बाद चाय बना रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रहे हैं, उसे दूध चढ़ाए गर्म होने के लिए। और मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं दिखा रहे हैं। आए हैं सुबह ऑफिस से, 4 बजे सुबह में आए हैं। सुबह 4 बजे आए हैं तो आने के बाद सो रहे हैं, अभी अभी उठे नहीं हैं। तो चाय बना लेते हैं, उसके बाद उनको उठाएंगे। तो अभी हम भी चाय नहीं पिए हैं, अभी तो पूजा करके जस्ट उठे हैं। और नाश्ता मेरी बेटी लोग कर ली है नाश्ता, मतलब सुबह में हम क्या किए थे ना, हम पूरी बना दिए थे और आलू का सब्जी। तो बना के उसके बाद हम अपना साफ सफाई जो घर का सब किए और जो काम था करने के बाद नहा, हम लोग बना देते हैं। हम तो लेट सेट भी होगा तो बच्चा लोग तो खा लेंगे ना, हम तो खाएंगे जब खाना रहेगा। सब काम होने के बाद ही तो नहाएंगे तो पूजा। और सुबह में सब काम कर ही के नहाते हैं, नहीं तो फिर नहा लेने के बाद ना फिर कुछ करने का मतलब मन नहीं करता, कपड़ा वपड़ा नहीं धोने का, इसलिए सब हम नहाने के पहले ही सब कर लेते हैं। अभी सिर्फ खाना बनाएंगे, बस अभी खाना बनेगा क्योंकि आज तो स्कूल है नहीं, स्कूल तो अभी छुट्टी है। और शनिवार है, शनिवार को यहाँ स्कूल नहीं चलता है, यहाँ मंडे टू फ्राइडे स्कूल चलता है। फ्राइडे तक स्कूल चलता है, सैटरडे को नहीं चलता है और संडे को तो छुट्टी रहता है, जानते ही आप लोग। तो वही जा रहे हैं अपने हस्बैंड को चाय बना देते हैं, चाय बना करके उठाएंगे तो चाय पिएंगे तभी उठेंगे, नहीं तो अभी हम उनको कभी बोल कब कहीं बोले उठ जाइए, आज उनका छुट्टी है, शनिवार रविवार दो दिन छुट्टी है। तो उनको कब का बोले उठ जाइए तो बोले नहीं, तुम खाली सोए रहते, आलस जैसा उनका बस आलसपन लिया रहता है, खाली सोए रहेंगे। अभी खाएंगे फिर सोएंगे दोपहर में और फिर शाम को उठते ऑफिस चले जाते हैं। तो आज तो छुट्टी है, आज उठेंगे, उठ के थोड़ा बड़ बाजार जाएंगे, कुछ कहीं जाते ही नहीं है, सब हम ही को लाना पड़ता है, करना पड़ता है। अब वो क्या, सुबह उठते हैं, नहाएंगे, खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सोएंगे, फिर शाम को ऑफिस चले जाते हैं। और जो है हम ही को लाइए बनाइए सब कुछ करिए। आज छुट्टी है, बोले जल्दी उठ जाइए, थोड़ा जाइए बाजार कुछ ले करके आइए, सब्जी उब्जी नहीं है। बोल रहे हैं कि देखते हैं नहीं तो खिचड़ी बनाएंगे, ऐसे तो आज शनिवार है, शनिवार को लोग खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी बनाएंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, अब चाय बना लेते हैं। चाय ले लीजिए, चाय गाइस। चलिए अब हम जा रहे हैं, कपड़ा दिए थे सिलने के लिए, तो वही एक कुर्ती है उसको फिटिंग करने के लिए देना है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं, उसके बाद आके खाना बनाएंगे। तो चलिए, तो आए थे तो देखिए अब जा रहे हैं घर, दे दिए मतलब घर ही में बनाती हैं, पीला नहीं है घर में, बस स्थिति होती है तो बहुत अच्छा बनाती है। तो एक सूट दिया था उसी को फिटिंग करने के लिए दिया है, तो दे दिया बहुत ज़्यादा, बहुत धूप है बाहर में, बहुत धूप है। तो बहुत देख रहे हैं बाहर में कितना धूप है। अब जाएंगे यहाँ से तो खाना भी बनाना, हम छाता लेके आए थे, छाता
ना तो गर्म में तो पक जाएंगे। और मेरी परी पाखी नहा रही थी तो उसका पापा उड़ गया था, तो हम बोले अब हम आ रहे हैं दे देते हैं। कितना दिन से हम सोच रहे हैं जाएंगे जाएंगे। अब ब्लाउज दिए थे तो ब्लाउज अभी नहीं बनाई है, बोली हम 2-3 दिन बाद तो ब्लाउज लेने फिर आएंगे। इन्हीं के पास से ब्लाउज व्लाउज बनवाते हैं, बहुत अच्छा ब्लाउज बनाती हैं। और टेलर वाला लोग तो सिर्फ पैसा लेता है, अब बनाता नहीं अच्छा से। और ये है कि घर में ही बनाती हैं और लेडीज़ हैं, एक खूब सुंदर ब्लाउज बनाती है। बना के जब लाएंगे तब आपको दिखाएंगे, बहुत सुंदर ब्लाउज बनाते हैं। मैंने इन्हीं के यहाँ से सब ब्लाउज बनवाते हैं, जितना भी ब्लाउज है सब इन्हीं के यहाँ बनवाए हैं। जब से हम यहाँ मतलब इस जगह में आए हैं तब कुछ दिन के बाद से ही हमको एक भाभी है वही बताई थी, तब से इन्हीं के पास हम ब्लाउज बनवाते हैं, कुछ सूट बनवाते हैं, सब इन्हीं के पास बनवाते हैं। और भी दूसरे जगह बनवाने से बहुत पैसा भी ज़्यादा लेता है और फिटिंग्स बनाता भी नहीं। ये भाभी बहुत अच्छा बनाती है, रास्ता में है। अब जाके घर खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे आज, और कुछ नहीं, खिचड़ी चोखा चटनी पापड़ ये सब बनाते हैं, आसान है बनाएंगे। अपने गली में आ गए, देख इधर बहुत सारा गाछ अमरूद का है और सब का है। देखे दोनों का खोल क्या बना रहे हो, बाल बना रही है, बाल सूखा है नीचे होता है तो चले। अब खाना वाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं गाइस, घर में खाना काम आराम नहीं, देख रहे हैं क्या सब करे तैयारी। तो गाइस मेरा खिचड़ी चढ़ गया है, बाप रे बाबा की क्या बोले। अब जाके सब काम को समटाए, सब काम अभी पूरा हुआ और खिचड़ी बनाए चोखा बनाए बस और कुछ नहीं बनाए गाइस, चटनी पापड़ बस अचार है उसी के साथ खा लेंगे। और मेरी दोनों परी पाखी पापा के साथ नीचे गई है पानी लाने, पानी पीने का पानी और बिस्किट नहीं था, बिस्किट भी लाएगी दुकान से वही लाने गई है सब। और अभी हम थोड़ा पंखा खोल के बैठे आए उधर से, तुरंत खाना जल्दी जल्दी खिचड़ी चढ़ाए और बर्तन उतन था तो धो लिए। काम रहता है तो माथा का हेडक रहता है बाबा, नहीं काम करो तो कहीं से कहीं भी जाए कहीं से जाए आए तो आने के बाद हम तो घर में लगना ही है, तो लगना है घर का ही काम वकाम सब काम, कोई है नहीं करने वाली, बेटी तो छोटी है और बेटी से काम नहीं करवाते हैं ज़्यादा, बस कुछ भी नहीं करवाते, वो सिर्फ दुकान वकान चले जाती है और छत से कपड़ा ला देती है, यही सब उससे मतलब थोड़ा मोड़ा करती है, बिछना उछना थोड़ा चादर उदर ठीक कर देती है मेरी परी बड़ी वाली, यही सब कर देती है, बाकी और कुछ नहीं करवाते हैं। क्या करवाना, अभी छोटी है अभी पढ़ाई करती है, पढ़ेगी अभी काम थोड़ी ना करेगी, अभी हम है जब तक करेगी। तो अभी दोनों पापा के साथ गई है दुकान, अब कुछ कुछ लेगी पापा के साथ, अभी अभी 1 बजेगा, 1 बजने वाला है, इसलिए आए उधर से आने में हमको लग रहा है 5-10-12-15 में तो हम घर ही हैं। आने के बाद जल्दी जल्दी खिचड़ी चढ़ा दिए, जल्दी सर कुकर में चढ़ा दिए, कुकर में जल्दी हो जाएगा,
दो तीन सीटी लगेगा, दो सीटी हो जाएगा तो चढ़ाएँ, वो भी हो जाएगा। उसके बाद चोखा बनाएंगे। तो मैं अपने हस्बैंड को खाना देंगे, अभी कुछ खाए नहीं है। हमारे यहाँ दोस्तों तो नहा के पूजा कर रहे थे, तो वो नवे की बार खाना खाएंगे। चाय पी लिए हैं तो खाना बन जाएगा तो उनको खाना ही दे देंगे। आज उनका ऑफिस नहीं है, छुट्टी है, कल भी छुट्टी है। देखिए मेरे बेटी लोग आ गए, मेरी बेटी सब आ गए। बिस्कुट दे, कौन बिस्कुट लाए? डब्बा में भर दो बिस्कुट को। तो तुम कौन बोला था तुम लोगों को धूप में जाने के लिए बाहर? बाहर में अपने ही ना घूमते हो लोग, गर्मी लग रहा है तो। मेरा बकेट थोड़ा अपना दिखा दो, देख लीजिए मेरी बिल्ली रानी को। मेरी बाकी का थोड़ी बाल बना दी है बिल्ली की तरह। बिल्ली हम यहाँ कर दो बाकी। मियाओ मियाओ कर रही है। तू बड़ी बिल्ली, मैं तो यार बड़ी, ये छोटी बिल्ली है बड़ी बिल्ली। बारिश होता तो बड़ा अच्छा लगता। बारिश होता तो अच्छा लगता थोड़ा, ठंडा पता नहीं, गर्मी पता नहीं चलता है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लगता है। देख रहे हैं खिचड़ी, लाइट में देख रहे हैं, पूरी भी नहीं है, सब अपना अपना घर में है वो रखा है। धूप से दम हो गया है, जा रहे बिस्कुट को डब्बा में भर देते हैं। जब हम भरे थे तब बिस्कुट खा गए, फिर अभी मंगवाए हैं। लोगों बिस्कुट सब समय लोग ले लेके खाते रहते हैं, मैरीगोल्ड उस समय, हॉर्लिक्स बिस्कुट डब्बा में जो भरती है। और क्या मतलब बच्चा लोग कुछ खाने दिया था, कुछ कुछ ला के तो रखना पड़ेगा ना। और ये ब्रेड ला दिए हैं, ब्रेड मंगवा दिए हैं, जैम के साथ खाएगी दोपहर ऊपर में, भात वात खा लेती है। तो ये लोग को कुछ ना कुछ चाहिए तो रखना पड़ता है। हो गया खिचड़ी बंद कर दिए, बहुत गर्मी लग रहा है, खिचड़ी हो गया बंद कर दिए। अब थोड़ा देरी में थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसको तो चोखा बनाएंगे, उसी में आलू डाल दिए हैं तो चोखा बनाएंगे, तब खाना खाएंगे हम लोग। और एक आम है, मेरी बड़ी पाकी को आम बहुत पसंद है, तो एक के जी आम लाए थे तो दोनों ही खाई, हम लोग उतना नहीं खाए, हम लोग दोनों नहीं खाए, वही बड़ी पाकी ही खाई। अब फिर कल लाएंगे तो खाएंगे सब। ये लोग आम भात बहुत अच्छा लगता है, खाती है सब। तो वीडियो पे यहीं पे नेक्स्ट करते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको, प्लीज़ सपोर्ट।